बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके लिए एक बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको सिखा रही हूँ दाल साग। ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमको चाहिए हैं, चलिए आइए सबसे पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। दाल साग के लिए एक कप दाल ली है मैंने मूंग की, इसको मैंने आधे घंटे से भिगो रखा था। आधा किलो मैंने पालक लिया है, पालक आप थोड़ा कम या ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इसके अंदर बारीक चॉप कर लिया है और इसको हम बिल्कुल दाल की तरह चढ़ाएंगे। मसालों में हमको चाहिए है 3 हरी मिर्चें चॉप की हुई हैं, ये ज़्यादा कम अपने हिसाब से ले सकते हैं। थोड़ी सी जुलियन कटी हुई अदरक है 1 टेबल स्पून समझ लीजिए, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट यानी एक एक चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, आधा चाय का चम्मच इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला है, ये दम पे जाएगा। और जो पिसे हुए मसाले इसके अंदर जाएंगे उसमें 3-4 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, 3-4 टीस्पून इसमें नमक है और आधा चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम इसके अंदर हल्दी है। इसके बघार के लिए मैं देसी घी ले रही हूँ 1/4 कप, उसके अलावा इसमें जाएगा ज़ीरा और साथ ही इसके अंदर मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है, जवे 4-5 लेके मैंने उन्हें चॉप कर लिया है। आप इसके अंदर प्याज का बघार भी कर सकते हैं, मुझे इसके अंदर लहसुन का बघार ज़्यादा पसंद है। 1 गिलास पानी के साथ मैंने मूँग की दाल चढ़ा दी है पतीली के अंदर। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी तमाम मसाले, तो इसमें चला जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, हल्दी और पिसी हुई मिर्चें, साथ ही इसके अंदर मैं आधी अदरक और आधी हरी मिर्चें भी डाल दूंगी और इसके साथ ही मैं इसके अंदर पालक डाल देती हूँ। सब चीजें साथ जाएंगी और हम इसे दाल की तरह चढ़ा देंगे। अब मैं इसके ऊपर पैन का कवर लगा रही हूँ और मीडियम फ्लेम करके मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। तकरीबन 5-6 मिनट गुजरेंगे, पालक सारा नीचे बैठ जाएगा तो हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे 20 से 25 मिनट मीडियम लो फ्लेम के ऊपर पका लेंगे। तो तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं इसे खोल रही हूँ। ये देखिए दाल बिल्कुल हलवा होने लगी है, पालक भी बिल्कुल नरम होके नीचे बैठ गया है। सारे मसाले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर। बस मैं इसके अंदर 3-4 ग्लास पानी का और डाल रही हूँ। 10-12 मिनट हम इसे और पकाएंगे ताकि दाल बिल्कुल हलवा हो जाए और बिल्कुल स्मूथ हो जाए और पालक भी बिल्कुल स्मूथ जैसा लगने लगे इसके अंदर। आप चाहें तो इसके अंदर एक साइड के ऊपर थोड़ा सा बीटर चला सकते हैं ताकि ये बिल्कुल एक जान होने लगे, और चाहें तो इसको बिल्कुल इसी तरीके से भी रहने दे सकते हैं। तो मैं इसे फिर से बंद कर रही हूँ और 10-12 मिनट और पका लूँगी। तो देखिए 10-12 मिनट मैंने इसे और पका लिया है और मेरे हिसाब से अब ये भगार के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर मैं कोई बीटर नहीं चला रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो एक छोटे से पोर्शन के अंदर बीटर चला लें, ये और ज़्यादा घुला मिला पकेगा। मेरे हिसाब से ये कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा मैं इसके अंदर नमक वगैरह चख चुकी हूँ, वो भी मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे चूल्हे पर से, इसमें से छींटे उड़ने लगती हैं, घी रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लहसुन डालेंगे, अच्छे से इसे कड़कड़ाएंगे और हल्का ब्राउन कर लेंगे। लहसुन हल्का सा कलर बदल रहा है, इस वक्त मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूंगी, साथ ही इसमें चला जाएगा जीरा, हल्का सा बस हम इसको ब्राउन कर लेंगे। लहसुन को स्टोव ऑफ करेंगे, ये मैं इसके ऊपर भगाड़ लगा दी। मिक्स कर देंगे हल्का सा, गरम मसाला अच्छे से छिड़क देंगे। बस ये रेडी है, अब मैं इसे डिश में निकाल लूंगी। तो हमारी देसी घी के भगार वाली
दाल साग की रेसिपी बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़ेदार बनी है, बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। आप ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है, उसे चेक कर लीजिए, वहाँ काफ़ी रिटन रेसिपीज़ हैं। अपने कमेंट्स में अपने सजेशंस और अपने व्यूज़ मुझसे शेयर करते रहा कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।